स्ट्रेस बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है और ये दोनों तरह का नुकसान करता है, मेंटली एंड फिजिकली दोनों। लेकिन आज देखते हैं एकदम अच्छे से कि स्ट्रेस का लेवल अगर नॉर्मल रहे तो बॉडी लिए कितना सही है। स्ट्रेस का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो भी ख़राब है और कम हो जाए तो भी ख़राब है, एकदम नॉर्मल लेवल पर होना चाहिए तब जाके सही रहेगा। तो अब देखते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअली में होता क्या है, इसका मतलब क्या है स्ट्रेस का। तो यह एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं या फिर मेडिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम मेंटल टेंशन या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरते हैं तब हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है। और रिस्पॉन्स इसलिए करता है क्योंकि यह बताता है कि हम कोई मेंटल टेंशन या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे रिलेशनशिप हो सकता है एग्जांपल अगर देखें, या फिर जॉब का टेंशन या फिर फैमिली में या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, तब ये हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू करता है और बताता है कि हमारे शरीर पर, इंसान के शरीर पर रॉन्ग इम्पेक्ट पड़ रहा है इस स्ट्रेस की वजह से। तो यह एक तरह का रिस्पॉन्स हो गया। अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, तो वो मैसेज भेजता है एड्रीनल ग्लैंड के पास जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, और वो एड्रीनल ग्लैंड दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है। एक हार्मोन रिलीज करता है कोर्टिसोल और एक रिलीज करता है एड्रीनलिन। और कोर्टिसोल जो हार्मोन है यही स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, कम ज़्यादा या फिर नॉर्मल लेवल पर रखना इसी का काम है। तो कोर्टिसोल जो हार्मोन है इसका लेवल अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, लंबे समय तक रहेगा। अगर इसका कोर्टिसोल हार्मोन का अगर लेवल अगर नॉर्मल रहेगा तो स्ट्रेस भी नॉर्मली काम करेगा। और अगर यार एक और हार्मोन जो है एड्रिनलिन है वो भी रिलीज करता है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनलिन का काम है बीपी को मेंटेन करके रखना, हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करता है, स्वेटिंग करवाता है और भी बहुत सारा काम करता है। तो दोनों जो हार्मोन है कोर्टिसोल और एड्रिनलिन ये दोनों एक दूसरे से कंजुगेट होकर और काम करते हैं। तो कोर्टिसोल का काम है स्ट्रेस को रेगुलेट करना। अब देखते हैं कि स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। तो एक्यूट जो होता है इसको हम लोग शॉर्ट टर्म स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए आता है, मतलब आएगा और क्विक काम करेगा और क्विकली निकल जाएगा, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बोल रहे हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि स्ट्रेस का लेवल अगर नॉर्मल रहे तो बॉडी के लिए काफ़ी सही होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो पहला है एक्यूट स्ट्रेस, यह नॉर्मल लेवल पर रहता है और नॉर्मल लेवल पर रहकर काम करता है और बॉडी के लिए सही होता है। और अगर इसका अगर ये प्रोलोंग्ड हो जाए, प्रोलोंग्ड मतलब एक्यूट हुआ, एक्यूट का क्या काम है कि इमीडिएट काम करना, कि तुरंत आना, काम करना, एक्टिविटी करना और तुरंत चले जाना। लेकिन अगर यही एक्यूट स्ट्रेस प्रोलोंग्ड हो जाए, लंबे समय तक रहना शुरू कर दे और क्विकली नहीं निकले, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक स्ट्रेस में। और क्रोनिक स्ट्रेस ही हमारे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह का नुकसान करना शुरू करता है। तो एक्यूट स्ट्रेस का कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक्यूट स्ट्रेस बॉडी के लिए सही है तो उसका एग्जांपल है न्यू चैलेंज। जब आपके सामने कोई नया चैलेंज आए तब वहाँ पर एक्टिवेट होता है, एक्टिव हो जाता है और ये एक्यूट स्ट्रेस काम करता है और फिर चला जाता है। या फिर कोई कंपटीशन हो, जैसे एथलेटिक कंपटीशन हो स्पोर्ट के समय में, या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन हो, कोई भी काम है और उसमें प्रेजेंटेशन सेमिनार के समय में, या फिर किसी से आपका आर्गुमेंट हो, तो आर्गुमेंट जब होगा तो वो दिन भर तो नहीं होगा, हर एक टाइम तो आर्गुमेंट नहीं होगा, तो वो स्ट्रेस दिन भर तो रहेगा नहीं, जब तक आर्गुमेंट होगा तब तक रहेगा, फिर निकल जाएगा। इसीलिए एक्यूट स्ट्रेस सही है हमारे शरीर के लिए। फिर अवॉइड टू डेंजर, डेंजर जो भी हम लोग चीज़ें करते हैं तो हम लोग करने से पहले डर जाते हैं, तो वहाँ पर एक्यूट स्ट्रेस जेनरेट हुआ रहता है। फिर हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करता है, जैसे कि कोई भी काम डरे नहीं, फ्लेक्सिबली कर लें, हमें करने का मतलब कि स्ट्रेंथ दे। तो इस तरह से है एक्यूट स्ट्रेस का एग्जाम्पल। कुछ क्रोनिक स्ट्रेस का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डिवोर्स के टाइम में, अब किसी भी रिलेशनशिप में डिवोर्स होगा अगर तो काफ़ी लंबे समय तक रहता है,
और बार बार मेंटली और फिजिकली काम करते रहता है करते रहता है। और जैसे कि एक नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि जॉब छोड़ना, लूजिंग अ जॉब, या फिर आप जॉब का स्टार्टिंग करें, स्टार्टिंग ए जॉब, ऐसा हो सकता है। या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के समय में भी हो सकता है, या फिर फैमिली में कोई टेंशन हो सकता है, फैमिली में लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चलते आ रहा है, या फिर जैसे कि फैमिली में होता है जमीन वमीन के बारे में हो जाता है, तो उस समय भी एक क्रोनिक स्ट्रेस काम करता है और लंबे समय तक रहता है। या फिर कोई आपको लॉन्ग टाइम से कोई बीमारी है, डिजीज है, तो उससे आप परेशान है, उससे आपका आपको टेंशन हो रहा है, तो उस समय क्रोनिक स्ट्रेस ही रहता है। अब देखते हैं, जैसे कि अभी तो हमने देखा है कि डेफिनेशन देखा है कि क्या है क्या नहीं है, टाइप्स क्या क्या हैं। अब देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी से क्या ही फ़ायदा होगा, तो बहुत कम फ़ायदा नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिर्फ स्ट्रेस में काम नहीं करता है, बहुत अलग अलग चीज़ों में भी काम करता है। जैसे कि डिप्रेशन में काम करेगा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो, एंजाइटी में, या फिर आपका थिंकिंग लेवल जो है उसको इन्हेंस करने में काम करेगा, फिर लर्निंग में, और जजमेंट स्किल, जो आप किसी भी चीज़ को लेकर जब आप जज करेंगे, जब आपका जज करने का टाइम होगा, तो आपके उस स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप करेगा और बना के रखेगा। फिर जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आपको प्रमोट करने में हेल्प करेगा। फिर दूसरा देख सकते हैं एक मैनेजमेंट, कि आप डाइट ले सकते हैं, जैसे कि बैलेंस्ड डाइट लेके आप कंट्रोल या फिर मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को। जैसे कि आप प्रॉपर एकदम प्योर ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, एकदम प्योर प्योर बीन्स खा सकते हैं, फिश, नट्स या फिर सीड्स ले सकते हैं। और अवॉइड स्क्रीन टाइम, इसका मतलब है कि जैसे कि फ़ोन में, टैबलेट में, पीसी में जब आप बैठते हैं, तो जब आप स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो आप उसके टाइम को रिड्यूस करना धीरे 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 कम कर दीजिए। जैसे आप एक दिन में 6 घंटा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, तो 5 घंटे कीजिए, फिर 4.5 कीजिए, 4 कीजिए, 3 कीजिए, ऐसे करके करके जैसे ही स्क्रीन टाइम कम करेंगे, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप कैफीन को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कैफीन केमिकल होता है, तो चाय में, कॉफ़ी में, या फिर एनर्जी ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, उसमें ये कैफीन पाया जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप कैफीन लेने वाले हैं, इंसान हैं, तो आप उसको कम करना, मिनिमाइज करना, स्किप करना शुरू कर दीजिए। उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है स्ट्रेस को कम करने में, रिड्यूस करने में। या फिर योगा कर सकते हैं। जैसे कि योगा करने से क्या होगा, स्ट्रेस रिलीफ, इस स्ट्रेस में तो काम करेगा ही, आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। फिर अगर आपको कहीं इन्फेक्शन हो रहा है या फिर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसमें भी काम आएगा। एंजाइटी में बहुत ज़्यादा काम आता है, डिप्रेशन है, और आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका किसी भी चीज़ में स्ट्रेंथ है, या फिर कैपेसिटी आपका, उसका आपका कैपेबिलिटी है, कुछ भी है, कैलिबर है किसी भी चीज़ को करने में, उसको बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है योगा। और जैसे कि इम्यूनिटी बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बन सकते हैं। तो स्पिरिचुअल बनने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका साथ देगा, और बहुत अच्छे से आपको डेवलप करने में, स्ट्रेस को रिलीव करने में, रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे, और फिर बात करेंगे।